केरल का निमंत्रण। बच्चों, छुट्टियां शुरू होने से पहले कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। कभी पहाड़ी स्थान, कभी अभयारण्य, कभी समुद्र तट वाली जगह। भारत का मानचित्र देखो तो दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य हैं। केरल समुद्री तट पर बसा हुआ बहुत सुंदर राज्य है। अगर तुम्हें केरल घूमने जाना है तो ओमना से मिलो, वह तुम्हें इस पाठ में केरल राज्य के बारे में बताएगी। केरल का निमंत्रण। मैं ओमना हूँ। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे देश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी चोटी है। मध्य में समतल मैदान है, पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरा साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम आदि पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक व्यंजन तैयार करती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती हैं। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। दुर्गा पूजा का त्योहार हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल,
जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियाँ जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं, अभी तो विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। विद्या को हम सबसे प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। किंतु वे लोग कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। बच्चों, यह पाठ केरल राज्य के बारे में है, तो आपने पाठ द्वारा केरल की यात्रा कर ली। आओ केरल की एक झलक देखें। केरल की झलक। राजधानी तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। भोजन चावल, मछली, इडली सांभर, डोसा, अवियल, उपमा आदि। त्योहार ओणम, विशु, सरस्वती पूजा। नृत्य कथकली। उत्पादन काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, नारियल, काजू आदि। जलवायु गरम और आर्द्र। बच्चों, आज कुछ विदेशी ध्वनि वाले शब्द पढ़ते हैं। कॉपी, चौक, हॉल, बॉल, डॉक्टर, ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉलेज। इन सभी शब्दों में जिस वर्ण के ऊपर आधा चांद बना है उसका उच्चारण औ किया जाता है। जैसे बॉल।